الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں محترم خواتین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں انسانوں کے درمیان خونی رشتے بھی ہوتے ہیں باپ ہے بیٹا ہے ماں ہے بیٹی ہے بھائی بہن ہیں اوپر دادا نانا یہ بھی ہوتے ہیں آگے پوتے پوتیاں بھی ہوتی ہیں انہیں رشتوں سے خاندان وجود میں آتا ہے خاندان کے افراد کے درمیان محبت ہوتی ہے خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے ہمدردی ہوتی ہے ان کے کچھ اخلاقی حقوق بھی ہوتے ہیں اور قانونی حقوق بھی ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر خاندان کا نظام چلتا ہے اگر خاندان میں محبت اور الفت نہ ہو وہ ایک دوسرے کے حقوق نہ پہچانے تو خاندان ٹوٹ پھوٹ جائے گا اس کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا اس لیے کوشش بات کی ہوتی ہے کہ خاندانی کے تعلقات میں اگر کوئی خرابی آئے تو بڑے بزرگ لوگ اور ذمہ دار افراد اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ تعلقات بحال ہو جائیں جو بگاڑ آیا ہے وہ دور ہو جائے اگر کسی کو کسی سے شکایت ہے تو وہ رفع کر دی جائے اگر یہ کوشش نہ ہو تو بگاڑ بڑھتا چلا جائے اس لیے کوشش لازماً ہونی چاہیے اور یہ کوشش بہت ہی پسندیدہ کوشش سمجھی جاتی ہے ایمان والوں کے درمیان اس کے علاوہ ایک اور تعلق بھی ہے وہ ہے اور ایمان اور اسلام کا تعلق اگر کوئی آدمی مسلمان ہے تو وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اس تعلق کی بھی بڑی اہمیت ہے اس تعلق کی اہمیت یہ ہے کہ بعض اوقات شریعت کی نگاہ میں خونی رشتوں کی اہمیت باقی نہیں رہتی لیکن اس تعلق کی اہمیت باقی رہتی ہے اس لحاظ سے اس تعلق کی غیر معمولی اہمیت ہے
और इस बात का हुक्म दिया गया है कि इस ताल्लुक को बहरहाल बाकी रखना चाहिए, इसमें फ़र्क आ जाए तो उसकी इस्लाह की कोशिश होनी चाहिए। इससे बड़ी बात क्या होगी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत के लिए सरापा रहमत थे, आपसे ज़्यादा इस उम्मत से मोहब्बत करने वाला कोई शख्स नहीं था, और आपकी हैसियत उम्मत के लिए बाप की सी थी, रिश्तेदारों से ज़्यादा करीब थे आप, इसके बावजूद हुक्म दिया गया, इसी से आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं। वख्फिज जनाहक लिलमुमिनीन, अपने बाजू ईमान वालों के लिए झुका दीजिए। ये ताबीर है कि उनके साथ मोहब्बत का, आजिज़ी का, नरमी का रवैया अख्तियार कीजिए। और एक और मौके पर कहा वख्फिज जनाहक लिलमुमिनीन लिमन तबा का मिनल मोमिनीन, ईमान वाले जो आपके साथ चल रहे हैं, ईमान वाले जो आपकी तिबा कर रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, उनके लिए अपने बाजू झुका दीजिए। मोहब्बत का, नरमी का रवैया अख्तियार कीजिए, दुरुस्ती न इख्तियार कीजिए। आप सरापा रहमत थे, इसके बावजूद हुक्म दिया गया कि यह अहले ईमान का हक है कि आप उनके साथ नरमी का रवैया अख्तियार करें, मोहब्बत का रवैया अख्तियार करें, और उनकी दुख दर्द का ख्याल करें। वरना जाहिर है कि अगर ये कैफियत नहीं होगी तो लोग छट जाएंगे। कुरान में कहा गया है कि आप अगर नर्म दिल ना होते तो ये जो लोग जमा हैं ये छट जाएंगे आपसे। इससे पहले इसका बहुत तफसील से जिक्र आया है कि आपको हिदायत की गई कि देखिए आपके साथ लोग इसलिए जुड़े हैं कि आपके अखलाक बहुत ऊँचे हैं, और अगर आपके अखलाक में फ़र्क आएगा तो जो लोग आपके साथ जमा हैं, आपके गिर्द गिर्द मौजूद हैं, वो मुंतशिर हो जाएंगे। इसलिए फरमाया गया कि जो लोग आपकी इत्तिबा कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, उनके साथ झुक के मामला कीजिए, नरमी का रवैया अख्तियार कीजिए, मोहब्बत का रवैया अख्तियार कीजिए। इससे एक बात यह भी मालूम होती है कि जो आदमी जितनी ऊंची पोजीशन पर हो, जाहिर है कि इससे ऊंची पोजीशन कोई का तस्वीर आदमी नहीं कर सकता, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के दरमियान हासिल थी, वो हमारे मुता हैं, मुक्तदा हैं, रहनुमा हैं, और आपकी हर बात हमारे लिए नमूना है। जब आपसे कहा गया कि अहले ईमान के साथ नरमी का रवैया अख्तियार कीजिए, मोहब्बत का रवैया अख्तियार कीजिए, आपके बाजू उनके सामने झुक जाने चाहिए। इस ताबीर के बारे में लोग कहते हैं, इसमें एक पहलू ये भी है कि ये ताबीर औलाद के लिए भी, इसमें औलाद से भी कही गई कि माँ बाप के बारे में भी यही रवैया तुम्हें इख्तियार करना चाहिए कि तुम्हारे बाजू झुक जाएं उनके सामने। कहते हैं कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परिंदों परों के अंदर ले लेती है और उसके लिए झुक जाती है, जहाँ कोई ख़तरा महसूस होता है दौड़ के आती है और अपने परों के अंदर उसे ले लेती है, ये कैफियत होनी चाहिए जिम्मेदार की। तो फरमाया कि आप उन लोगों के सामने नर्म रवैया अख्तियार कीजिए जो आपका साथ दे रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की जो कैफियत होनी चाहिए उसे मुख्तलिफ मौके पर बयान किया है। आपने फरमाया, एक हदीस में है, अल्मुमिनु लिल्मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा सुम्म शब्बक बैन आसाबिही। आपने फरमाया मोमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए ऐसे ही है जिसे की इमारत हो, कि उसका एक हिस्सा दूसरे को तकवीत पहुंचाता है, उसके अंदर जब तक एक हिस्से के अंदर ईसार ना हो, साथ वाले के साथ हमदर्दी का जज्बा ना हो, दूरी इख्तियार ना करे, तभी तक इमारत बाकी रह सकती है। कोई ईंट भी अगर दूसरी ईंट से अलहदगी इख्तियार कर ले
अपनी हमदर्दी से फराहम ना करे, अपना जज्बा उसे ना दे, उसे साथ ना रखने की कोशिश करे तो इमारत में खराबी आ जाएगी। और जो ईंट जिस नाजुक मकाम पर है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस ताबीर के जरिए आपने ये बताया कि देखो ईंट अपनी जगह है लेकिन वो ईंट उसी वक्त काम हो सकती है, उस इमारत के लिए मुफीद हो सकती है जबकि वो दूसरे के लिए मुफीद बन जाए, दूसरे को बर्दाश्त करे और उसे मजबूत करने की कोशिश करे। लेकिन अगर वो समझे कि मुझे अलग रहना है तो इमारत मजबूत नहीं हो सकती। इसी तरह दूसरी ईंट को भी चाहिए कि ये ईंट मेरे साथ है, मैं उसका साथ दूंगी। आपने फरमाया कि बिल्कुल ऐसी है कि ये एक ईंट दूसरी ईंट की मदद करती है और उसे मजबूत बनाने की कोशिश करती है, तब इमारत मजबूत होती है। इसका एक मफहूम यह भी लिया गया है कि खुद इंसान के अखलाक में मजबूती उस वक्त आती है जब वो दूसरे की मदद करता है, वरना उसकी इमारत भी ढह जाए। तो आपने फरमाया कि मोमिन की मिसाल ऐसी है, एक मोमिन की मिसाल दूसरे के लिए जैसे कोई इमारत हो और उसका एक हिस्सा दूसरे को तकवीत पहुंचाए। फिर आपने या बयान करने वाले रावी हदीस ने उंगलियों को मिला के दिखाया कि इस तरह जुड़े रहना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा यह है, एक रिवायत से यह मालूम होता है कि खुद आपने ये इस तरह दिखाया, और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं रावी हदीस ने बताया ये कि इस तरह आपका मंशा यह है कि मुसलमान मिले रहें, तब गोया ये इमारत मजबूत होगी। इसमें ईसार की तालीम भी है, मोहब्बत की तालीम भी है, कुर्बानी की तालीम भी है, तकलीफ बर्दाश्त करने की तालीम भी है और अपनी जगह जमे रहने की तालीम भी है। अगर घबरा के कोई ईंट अपनी जगह से हट जाए तो पूरी इमारत कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए आपने फरमाया कि ये एक ईंट जिस तरह दूसरी को तकवीत पहुँचाती है, इस तरह की कैफियत होनी चाहिए। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल मोमिनीन फी तराहुमिहिम व तवाद्दुहिम। आपने फरमाया व तआज़ुदिहिम का मसलिल जसदिल वाहिद इज़ इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदा लहु सायरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। आपने फरमाया अहले ईमान की मिसाल ऐसी है, उनकी मोहब्बत की, आपस में उनके रहम की, हमदर्दी की, उल्फत की और उनके एक दूसरे की मदद की मिसाल ऐसी है जैसे एक जिस्म हो। का मसलिल जसदिल वाहिद, ये उम्मत सब मिलकर एक जिस्म है। इसी मिंबर से इससे पहले कहा गया कि इस मिसाल में बड़ी खास बात है। आपने फरमाया पूरी उम्मत एक जिस्म है और आप जानते हैं जिस्म के हर अज़ू की एक सा अहमियत नहीं है और सबके काम मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी वो जिस्म का हिस्सा है। आपकी बॉडी का एक पार्ट है। आप जरा सा ज़ाहिर नाखून कटना तक पसंद नहीं करते। तो फरमाया कि मोमिनों की मिसाल ऐसी है, उनकी रहम, आपस की मोहब्बत, हमदर्दी और एक दूसरे की मदद का जज्बा ऐसा होता है जैसे सब एक जिस्म है। हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, आंखों का काम अलग है, कानों का काम अलग है, दिलो दिमाग का काम अलग है, लेकिन सब जिस्म का हिस्सा है। तो आपने फरमाया किसी एक हिस्से जिस्म को भी तकलीफ पहुंचती है, इज़्तका मिन्हु उज़्वुन, एक जिस्म के किसी एक हिस्से को भी तकलीफ पहुंचती है तो सारा जिस्म आवाज देने लगता है, आओ देखो तकलीफ हो रही है और बुखार आने आ जाता है। आपने फरमाया बुखार आ जाता है, रात भर आदमी जगने लगता है, ये नहीं कहता अरे सब वो तो उंगली का मामला है, वो छिंगली का मामला है, वो नाखून का मामला है,
वो फलां चीज का मामला है, नहीं, वो मेरे जिस्म का हिस्सा है। अब उस दर्द को महसूस करता है इंसान, यानी पैर में कांटा चुभा और महसूस करता है दिमाग फौरन, शायद बिजली के भी इतनी तेज रफ्तार के साथ नहीं पहुंच सकती। क्या आदमी को महसूस होगा कि पैर में कांटा चुभ गया है? जूते में अगर कोई गलत चीज आ जाए, पैर पहुंचते डालते ही महसूस होता है कि सब गलत चीज आ गई, इसमें कांटा आ गया है, कंकरी आ गई है, पैर बैठ नहीं, ठीक से बैठ नहीं रहा है। तो आपने फरमाया कि ये जरा सी तकलीफ होती है तो आदमी ये समझता है, पूरा जिस्म मुतहरिक हो जाता है और रात भर उसे नींद नहीं आती, बुखार आ जाता है। तो आपने फरमाया कि मुसलमानों की मिसाल ऐसी है, कहीं भी कोई तकलीफ हो, कोई सदमा हो, कोई परेशानी हो, तो पूरी उम्मत को उसे महसूस करना चाहिए और उसके लिए बेचैन हो जाना चाहिए। जैसे एक जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है, तकलीफ महसूस करता है। इस वक्त इस आयत की आपके सामने तिलावत की गई है, दो आयतों की। इन आयत में यह बताया गया है कि मुसलमानों के दरमियान कभी इख्तलाफात भी हो सकते हैं। ये तो ऊंचा मेयार है, इस मेयार पर मुसलमानों को होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा यह मेयार बाकी रहे, इसके खिलाफ भी हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, उसकी हिदायत दी गई है इन आयात में। तो फरमाया व इन ताइफतान मिन अल मुमिनीन इक्ततलु फअस्लिहु बैनहुमा, फरमाया अगर ऐसा इत्तेफाक हो जाए, यह नहीं है कि मुसलमानों में ऐसी ही कैफियत रहती है, यह नहीं कहा गया। कहा गया, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसमें इस बात की तरफ इशारा है, मुसलमानों के दरमियान तो उखुवत का जज्बा होगा, लेकिन कभी कभी यह जज्बा दब भी जाएगा। तो फरमाया कि अगर मुसलमानों की दो जमातें आपस में लड़ पड़े, होता यह है कि झगड़ा दो आदमियों के दरमियान होता है, दो ग्रुप बन जाते हैं कि ये मेरे भाई का मामला है, ये मेरे भतीजे का मामला है, ये मेरे पोते और नवासे का मामला है, ये मेरे रिश्तेदार का मामला है, ग्रुप बन जाते हैं, और कभी जमाती ही होती हैं। तो फरमाया कि वह इन ताइफतानी मिन अल मुमिनी नक्ततलु, अगर अहले ईमान की दो जमातें लड़ पड़े आपस में, तो इससे मालूम हुआ कि इख्तिलाफ बढ़ते बढ़ते लड़ाई की नौबत भी आ सकती है और दो जमातों के दरमियान हो सकता है। ऐसा नहीं कि दो अफराद के दरमियान हो गया, यह भी होता है, लेकिन यहां कहा गया कि दो ग्रोह के दरमियान भी अगर इख्तिलाफ पैदा हो जाए, आपस में वो लड़ पड़े, तो उनके दरमियान सुलह कराओ। इसमें एक बात तो यह कही गई कि लड़ने की वजह से, इख्तिलाफ की वजह से, वो ईमान के दायरे से बाहर नहीं हो जाएंगे। यह हम सबको याद रखने की बात है, हम जरा जरा सी बात में आदमी को ईमान से बाहर कर देते हैं, जाओ जहन्नम में, तुम काफिर हो, इस्लाम के दायरे से निकल गए। लेकिन कुरान कहता है कि अहले ईमान अगर आपस में लड़ पड़े, अहले ईमान लड़ पड़े, ईमान वाले लड़ पड़े, तो मालूम हुआ कि ईमान वालों के दरमियान भी एक कैफियत कभी हो सकती है और इसकी वजह से वो ईमान के दायरे से बाहर नहीं होंगे। अगर ये बात हमारे जहन में बैठ जाए तो हमारी बहुत सी दूरियां खत्म हो जाएंगी और हम एक दूसरे को करीब समझने लगेंगे। तो फरमाया कि अगर दो जमातें अहले ईमान की आपस में लड़ पड़े, फअस्लिहु बैनहुमा, इनके दरमियान सुलह सफाई कराओ। जो काम हम कर नहीं रहे हैं वो ये है, कहा कि जहां झगड़ा हुआ या तो हम फरीक बन जाते हैं या कहते हैं कि साहब इससे क्या लेना देना है, जाए जहन्नम में, तबाह हो जाए। ये दोनों रवैये गलत हैं। फरमाया
ऐसी अगर सूरत हो तो तुम्हारी तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि उनके दरमियान सुलह कराओ। तो क्यों लड़ रहे हो भाई? फर्द भी हो सकता है, जमात भी हो सकती है, दूसरे लोगों की जिम्मेदारी यह बताई गई। फअस्लिहु बैनहुमा, इन झगड़ा करने वालों के दरमियान सुलह सफाई करो। अब सुलह सफाई पर भी लोग आमादा ना हो तो कहा गया फइन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फकातिलु लती तबगी। सुलह कराओ, लेकिन अगर कोई फरीक सुलह कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो कहा गया तो जो फरीक सुलह मानने के लिए तैयार नहीं है उससे मुकाबला करो। यह हुक्म मसलन इस्लामी हुकूमत के लिए है, आपके पास इख्तदार नहीं है, लेकिन मुसलमानों के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि कोई गुरोह गलत काम करे तो ताकत के जरिए उसे रोक सके कि तुम्हारे लिए रवैया सही नहीं है। उनसे वो जंग तो नहीं कर सकता इसलिए कि इसकी इजाजत नहीं है। जंग करना, मुकाबला करना और कोई गलत रास्ता अख्तियार कर रहा है तो उसे सजा देना, ये हुकूमत का काम है। तो फरमाया फइन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फकातिलु लती तबगी हत्ता तफीअ इला अम्रिल्लाह, उस वक्त तक उसका मुकाबला करो जब तक कि वो खुदा के कानून के सामने झुकने के लिए तैयार ना हो जाए। कहिए हां साहब, अल्लाह का जो हुक्म है हम मान रहे हैं, किसी आदमी की ख्वाहिश का सवाल नहीं है यहां। जो दावत आदमी देगा और जिसके लिए कोशिश करेगा वो ये हत्ता तफीअ इला अम्रिल्लाह, यहां तक कि लड़ने वाला गुरोह भी कहे कि मैं आ रहा हूं अल्लाह के फैसले पर, जो अल्लाह का हुक्म होगा उसे मानूंगा। तो उसके बाद फरमाया फइन फात, अगर वो इसके लिए तैयार हो गया तो फिर कहा फासलिहु बैनहुमा बिल अदल, अब सुलह सफाई करा दो। अब दोनों फरीक तैयार हो गए हैं तो सुलह सफाई कराओ इंसाफ के साथ। ये नहीं कि भैया हमारा रिश्तेदार है, हमारे से पुराने ताल्लुकात हैं, या हमारे पड़ोसी है, कुछ नहीं तो हमारे गांव वाला है, ये नहीं। इंसाफ के साथ सुलह सफाई कराओ। और फिर जोर देके कहा और इंसाफ करो, वह अक्सितू, इंसाफ करो। हमारे बाज़ उलमा ने लिखा है इसका मतलब यह है जिसका जो हक है वो दो उसे। ये नहीं है कि साहब धांधली की जा रही है इंसाफ के नाम पर, सुलह सफाई के नाम पर, कहा नहीं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला ये चाहता है कि इंसाफ हो, इस पर अमल हो। इसके बाद फरमाया मुसलमान तो सब भाई हैं, देखिए इख्तिलाफ हुआ, लड़ पड़े, मार धाड़ की नौबत आ गई, सुलह सफाई हो रही है, तब भी कहा गया है कि ये ईमान वाले हैं, ये तुम्हारे भाई हैं। अस्लिहु बैन अखवाइकुम, दो भाई लड़े या दो जमातें लड़े उनके दरमियान सुलह सफाई कराओ और अल्लाह से डरते रहो। तो फरमाया कि लअल्लकुम तुरहमून, उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल होगी। इसका मतलब यह है यही रवैया वो है जो इंसान को या मुसलमानों को अल्लाह की रहमत से करीब करता है। जालिम का साथ देना, मजलूम का साथ ना देना या किरारा कश रहना अल्लाह की रहमत को दावत देने था। अल्लाह की रहमत आपको उस वक्त हासिल होगी जबकि सोसाइटी से जुल्म खत्म करने के लिए आप खड़े हों। इसीलिए फरमाया अल्लाह से डरते रहो, उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत तुम पर होगी। अल्लाह की रहमत हासिल करने का जरिया यह बताया गया कि यह रवैया मुसलमानों के दरमियान होना चाहिए कि कोई जालिम अगर खड़ा हो तो मालूम हो कि भाई मैं जुल्म करूंगा तो मुसलमान मेरे खिलाफ हो जाएंगे, उम्मत मेरे खिलाफ हो जाएगी, बस्ती मेरे खिलाफ हो जाएगी, शहर मेरा खिलाफ हो जाएगा और मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये एहसास अगर पैदा हो जाए कि उम्मत के अंदर
तो जाहिर है कि हमारे झगड़े खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे और हम हमारे सामने ये बात रहेगी कि फैसला हो, इंसाफ के साथ हो और अल्लाह की किताब के मुताबिक हो। यह अगर ये कैफियत अगर हमारे दरमियान पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह बहुत से वो झगड़े जो हमारी सोसाइटी के अंदर हैं जिसकी वजह से हमारा माशरा बिगड़ा चला जाता है और हम गैर जानिबदार होकर देखते रहते हैं, ये रवैया हमारा बदलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें अर्ज़ की गई हैं उनको याद रखने और उन पर अमल करने की हम सबको तौफीक अनायत फरमाए। बारकल्ला बारकल्ला वलाना वलकुम फिल कुरान अलअज़ीम वनफ़ाना वैयाकुम बिल आयात वज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन क़दीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफुर रहीम रब्बुल आलमीन।